बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम मेरे दोस्त शफकत महमूद साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, रेक्टर नस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जावेद महमूद बुखारी साहब, मोहतरमा शाइस्ता सोहेल साहिबा हायर एजुकेशन कमीशन से, चेयरमैन नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर यासिर फयाज साहब, वर्दी डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट्स ऑफ द एआई स्टार्टअप चैलेंज, ख्वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ पर अरेंज किया और बड़ी खुशी हुई सुनकर इस बात की कि 6 यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम बनाकर आपने एक बेहतरीन काम शुरू किया जिसकी मुल्क को ज़रूरत है। जिस चीज़ का मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था वो उसके अंदर वो बात भी शामिल है जो शफकत महमूद साहब ने जिस बात का जिक्र किया। जो मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा था ये कि चीज़ों को पहचानना वक्त से पहले बे इंतहा ज़रूरी है। एक तरक्की याफ्ता कौम, जो कौम तरक्की करना चाहती है, एक आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन जो चीज़ों को पहचानता है, एक स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ आदमी जो देख रहा होता है कि कहाँ कौन से शेयर्स और कौन सी इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। और मुझे याद है कि 70s या 80s में एक किताब जॉन नेस्बिट करके एक साहब थे जिन्होंने मेगा ट्रेंड्स किताब लिखी थी, उस वक्त से मेरे जहन के अंदर ये बात आती है कि मेगा ट्रेंड को पहचानना और पहचान कर जो कौमें उन चीज़ों को जल्दी या जो लोग जल्दी पहचान लेते हैं तो वो अपने कारोबार में या कौमें अपने मुस्तकबिल के एतबार से बड़ी तरक्की करती हैं। इसी एतबार से आप सोचिए, अमेज़ॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के और बुक सेलिंग से शुरू हुआ, टूल्स मौजूद थे जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग फोर्स इन सप्लाइंग गुड्स टू एवरी प्लेस ऑन अर्थ। मगर वो ट्रेंड किसी ने पहचाना, टूल्स मौजूद थे। और मैं पाकिस्तान के हवाले से यही सोचता हूँ कि हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है किसी चीज़ को पहचानना वक्त से पहले। और आपको मिसाल भी दूंगा कि कहाँ पर हमने ये कामयाबी हासिल की, मगर एक जगह पर हम ज़रा से स्लो रहे और वो है मिसाल के तौर पर कि इंफॉर्मेशन बेस कितना बड़ा है और हमने कितनी देर लगाई कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को टैप करना, उसको समझना। टीचिंग मेथडोलॉजी जब मौजूद थी, खान एकेडमी अमेरिका में बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था, मैंने 2007 में शेंज़ेन में ये बात की थी कि जो इंफॉर्मेशन आज किसी बैरूनी यूनिवर्सिटी में है वो इंफॉर्मेशन रियल टाइम में या एक साल ताखीर से भी पाकिस्तान आ जाए तो बेइंतहा तरक्की होगी। हम कहते रहे, सोचते रहे, बताते रहे, इंसिस्ट करते रहे, मगर एक लिथार्जी थी। जब हम गवर्नमेंट में आए शफकत साहब, तो शफकत साहब ने इसकी तरफ कुछ मूवमेंट शुरू किया और कोविड ने हलक खोलकर ये माजून सबको खिला दी। वैसे नहीं समझ में आता, हम चलते रहते खरामा खरामा, बड़ा समझाना पड़ता कि ये करो और इंफॉर्मेशन मौजूद है दुनिया में। अब फ़र्क क्या है, एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है या डॉक्टर है या इंजीनियर है उसमें, और एक यूरोपियन या अमेरिकन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है इंफॉर्मेशन बेस का। मेरा और आपका दिमाग, अल्लाह मियां ने दिमाग सबका एक सा पैदा किया है, लिहाजा एनालिटिकल बेस तो एक सा हो गया ना, जिसकी बुनियाद पर हम प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, वो ये एक हो गया। मगर उसके अंदर बचपन से एक और चीज़ ज़रूर आती है कि एनालिटिकल बेस भी सही हो, 2+2=4, और आदमी बायस से निकले, ये बचपन से सीखता है आदमी। और इसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अहमियत और मुख्तलिफ कैफियत अख्तियार करते हैं, और मैं हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे लोगों से बड़ा मुतासर रहा हूँ जिनका एनालिसिस चीज़ों के हवाले से अच्छा होता था। तो इंफॉर्मेशन बेस यकसां अभी अब क्लाउड में मौजूद है, फिलहाल तो यकसां नहीं था कि इंजीनियर यहाँ का और इंजीनियर यूरोप का, उसमें इंफॉर्मेशन बेस का फ़र्क। लिहाजा जब वो ग्रेजुएट कर काम पर गया तो एक जिसका इंफॉर्मेशन बेस अच्छा था, हार्वर्ड का क्वालिफाइड था, उसको लोगों ने अच्छी नौकरी दी, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और मल्टीप्लाई करती गई। मगर अब वो ज़माना आया है जब इंफॉर्मेशन बेस क्लाउड में मौजूद है, बड़ी अहम बात। लिहाजा हमारी रफ्तार तरक्की की कोई रोक नहीं सकता, बहुत कम चीज़ें अब कॉपीराइटेड रह गई हैं। मेरा जो व्हेन आई वाज हेडिंग इलेक्टेड टू द वर्ल्ड इंटर फेडरेशन, तो मैंने
ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन की बात की, 2007 से 2013 तक मैं वहाँ पे था, तो ओपन सोर्स टफ्ट्स यूनिवर्सिटी को इनकरेज किया, MIT को इनकरेज किया कि अपनी इंफॉर्मेशन को ओपन सोर्स करो। इस वक्त ओपन सोर्स इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो मैं अभी जनरल साहब से ये कह रहा था कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो भी थ्रेट में है। जहाँ शफकत साहब ने यह कहा कि रिडंडेंसी हो रही है, कहीं इंसान ही रिडंडेंट ना हो जाए, मगर बहुत सारी चीज़ें अंदर थ्रेट हैं। जो ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन सिस्टम था वो इस बात पर फिक्स था कि लाइब्रेरीज होंगी, किताबें होंगी, फिजिकली लोग पढ़ रहे होंगे और फिजिकली टीचर उनको गाइड कर रहा होगा। टूल्स जैसे जैसे आते गए, ये आपके यहाँ प्रोजेक्शन टूल एक मौजूद है, ये भी रिडंडेंट हो गया है ना। टूल्स जैसे जैसे आते रहे तो वो बदलता गया। इस वक्त लेट मी टेल यू कि ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटीज हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स आर अंडर थ्रेट। लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर हम आपके इंडस्ट्री अपनी किताब खोलकर हमें दे दे अपने अकाउंट्स, एंड दी एनालिसिस कैन बी मेड विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स कंपेयर टू जय आप जाएंगे अपनी किताबें लेकर जाएंगे, बैंकर के साथ बैठेंगे, बैंकर एनालिसिस करेगा, ऑल दैट इज पास्ट। तो ब्रिक एंड मॉर्टर इज अंडर थ्रेट। खैर, ये तो एक बात हुई जिस जो आपको सोचना पड़ेगा। मैं दूसरी बात आपसे ये कह रहा हूँ कि इंसान के दिमाग की लिमिटेशन एक है, मेरा ख्याल से दिमाग की मेमोरी का आपके टेलीफोन की मेमोरी से कम है। दिमाग की मेमोरी 1 GB होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 GB होगी, इससे ज़्यादा नहीं। दी एस्टिमेट्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी इज बिटवीन 1 and 5 GB। तो अब तक इंडस्ट्री में ये होता था कि मुझे अगर बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि एक दिमाग तो लिमिटेड है ना, तो लिहाजा मैंने लोगों को एम्प्लॉय किया। जय आप यूनिवर्सिटी में करते हैं, आपको टीचर्स चाहिए, आपने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया और दिमागों को मल्टीप्लाई किया। टुडे इंफॉर्मेशन इतनी करीब आ गई कि एक प्रोडक्ट आप बाहर दिखा रहे थे जो व्हीलचेयर है, कि जापान ने दी थी 4 साल पहले, और उसका इशू ये था कि वो इंसान के दिमाग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देकर आज व्हीलचेयर मैनिपुलेशन करेगी। तो रीसेंट रिसर्च रिसेंटली रिपोर्टेड अबाउट 2-3 months अगो कि जो लोग कुछ भी मूव नहीं कर सकते, टोटली पैरालाइज है, वो साइंसदान था ना जो नेक से नीचे पैरालाइज था, हैं जी स्टीफन हॉकिंग, तो वो तो फिर भी अपने मुंह से ही वुड टैप ऑन सर्टन वर्ड्स। अब द एबिलिटी फॉर अ पर्सन विद इम्प्लांट्स टुडे, अभी इम्प्लांट्स के जरिए ब्रेन के अंदर वो व्हील चेयर भी मूव कर सकते हैं, और इस बात का इम्कान है कि ब्रेन और कंप्यूटर का साइनैप्स बन जाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मैं तो सिर्फ आप लोगों को तो बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें तो मालूम है, तो लेट मी जस्ट इंडल्ज विद यू इन अ पैशन ऑफ माइंड कि मैं सोच रहा हूँ कि इंसान जाएगा कहाँ और पाकिस्तान का क्या मुकाम है, और यही मेरा पैशन है। तो जैसे ही मैं प्रेसिडेंसी में आया तो मैंने एक पहला मजमून लिखा नवंबर में, सितंबर में जिम्मेदारी मुझे दी गई, नवंबर में मैंने एक मजमून लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग का पाकिस्तान के अंदर क्या मुकाम होना चाहिए, जस्ट टू क्रिएट अ वाइब्रेंसी कि हमारे यहाँ इस तरफ एक सोच बढ़े। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वक्त मेरे जहन के अंदर 5 GB से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, होता क्या है उसमें, होता ये है कि पिछला भूलता चला जाता हूँ, नई चीज़ें याद आती जाती हैं और नई चीज़ें इम्प्लांट हो जाती हैं क्योंकि लिमिटेड है ना। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्लीप, द ब्रेन गोज ऑन अ साइकिल ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा, मेंटेनेंस क्या होती है कि आपने आज से 30 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे, दैट इज इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इट वॉज रेलिवेंट अंटिल द 29th डे और 28th डे। तो ब्रेन जो है वो उसका कनेक्शन ड्रॉप करता है एंड एम्प्टीज दैट शेल्फ फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, बट दैट हैपन्स एट नाइट। लिहाजा आपने मेडिकल साइंस में देखा होगा कि जो लोग सो नहीं सकते या जिनको वो ड्रिप टॉर्चर दिया जाता था, तो उनका उनकी उनकी ब्रेन के अंदर इतना कचरा टाइप की कैफियत पैदा हो जाती थी कि दे बिकेम अनस्टेबल। तो मेरा और आपके दिमाग के अंदर फिलहाल यही है कि जो इन्फॉर्मेशन आई तो साफ करके ताज़ी इन्फॉर्मेशन रख ली, कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा के बाकी रहे, कुछ चीज़ें याद आ गई, अच्छा मुझे याद आया, दोस्त मिल गए तो उन्होंने बताया कि क्या हमने कब किया था।
बट ये जो साइनैप्स का जिक्र जो बाहर जो व्हीलचेयर के हवाले से, दैट इज़ द न्यू एरा, अभी आया नहीं। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वो अपनी मेमोरी से कर रहा हूँ, मैं जो फैसले करूँगा अपनी मेमोरी से करूँगा, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं वो अपनी मेमोरी में गई हैं। बट इफ़ देयर इज़ अ साइनैप्स टुडे नॉट रिलेटेड टू माई कंप्यूटर इनपुट इन टू द कंप्यूटर एंड द गूगल सर्च, if that synapse gives me direct link from my brain to the information base, that will be a very huge change. 10 or 15, 20 years later, that will happen, and that phenomenon will be called a cyborg with a brain computer interface. Uske aage Shafkat sahab ne kaha ki redundancy ki kaifiyat aayegi, aur ho rahi hai baaz jobs ke andar, magar itni sari cheezein aur uske alawa khul rahi hain. Human interaction jo hai wo kabhi computer le nahi sakta. तो लिहाजा ये कहा जाता है कि जो चीज़ें कम हो जाएं, रेडियोलॉजी कम हो गई, उसकी अहमियत कम हो गई, क्योंकि रेडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन एक्सरे इंटरप्रिटेशन एंड इंफॉर्मेशन. इस वक्त फेशियल रिकॉग्निशन हैज ओवरटेकन, द कंप्यूटर हैज टेकन ओवरटेकन फेशियल रिकॉग्निशन इन 2016. तो लिहाजा रेडियोलॉजी के अंदर, रेडियोलॉजी जो इमेज रिकोगनाइज करता था, द कंप्यूटर कैन डू अ फार बेटर जॉब. क्यों? उसका इंफॉर्मेशन बेस बढ़ गया. माई ब्रदर इन लॉ पास्ट अवे रिसेंटली, उसको मैंने पूछा कि आपने ज़िंदगी में कितने एक्सरे देखे होंगे, उन्होंने कहा 50,000, 1,00,000 देखे होंगे. बट टुडे इन द कंप्यूटर यू फीड मिलियंस ऑफ एक्सरेज, एंड द एबिलिटी फॉर द कंप्यूटर टू कम टू द राइट डायग्नोसिस इज फार बेटर देन ए रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि इमेज रिकग्निशन. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी रह जाएगी, मगर रिकग्निशन रेडियोलॉजी डायग्नोसिस ये चला जाएगा, यहाँ मशीन विल टेक ओवर. सो ये, मगर ह्यूमन इंटरेक्शन, आप डॉक्टर्स अगर यहाँ पर कुछ हों तो उनके लिए एक ताज्जुब की बात बताऊं कि डॉक्टरी के शोभा कमज़ोर होगा, नर्सिंग का शोभा बढ़ेगा जो ह्यूमन इंटरेक्शन का है. और ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं इसके अंदर, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई थी इन द फॉर्म ऑफ एन एटम बॉम्ब, सबसे ज़्यादा जो इंसानियत ने देखा है वो ये कि टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी कैसे बेहतर की. तो इसका जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है, द एबिलिटी थ्रू क्रिस्पर टू मॉडिफाई अ डीएनए इन द यूट्रस ऑफ द मदर, ये जैसे ही पैदा हो टू मॉडिफाई, पहला स्टेप ये होगा कि बीमारियों से इंसान को पाक किया जाएगा. सुपर ह्यूमन कैफियत हिटलर ने पैदा करने की कोशिश की, दैट इज़ अ जनरेशनल काम. 4-5 जनरेशन में पता चले कि जी ह्यूमन इंटेलेक्ट बेहतर हुआ नहीं हुआ, but the ability to reduce disease process is there today. The ability to then put in good genetic and intelligence traits is there, not being used, क्योंकि ethically पता नहीं कि क्या करें. जो चीज़ ethical level पर आ जाए और practical level पर possible हो, मगर बहस ethical हो, वो चुपके चुपके कहीं ना कहीं उस पर research हो रही होती है. तो द डेवलपमेंट ऑफ अ सुपर ह्यूमन, पॉसिबिलिटी ऑफ अ सुपर ह्यूमन रेस इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर. मैं उससे ज़्यादा खतरा तो ये है कि कोई सुपर इंटेलिजेंस ना बन जाए, एंड दैट इज अराउंड, दैट इज पॉसिबल, कीप दैट इन माइंड. जो डीएनए के अंदर, मेरे और आपके डीएनए, मेरे इंसान के डीएनए में जो चेंजेस आती है 8-8, 6-6 हज़ार साल में आई हैं. दिस एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट द डीएनए on silicon modifies much faster in seconds. और ये जो computing की सलाहियत जिससे आज मैं और आप बड़े impressed हैं, that is under a different quantum challenge. जो Google ने quantum 55 quantum bits का computer बनाया, जिसके अंदर entangled electrons के एतबार से और superposition के एतबार से analysis होता है, that will be millions of times more powerful than the computers existing today. अच्छा, अब इंफॉर्मेशन कहाँ है? ये कंप्यूटर्स का फ़ायदा क्या है? ये एनालिटिक्स में आएगा. डेटा, डेटा बहुत है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हर वक्त डेटा है, आपके टेलीफोन में हर वक्त डेटा है, सारे पाकिस्तान के अंदर इतना डेटा है कि आई डोंट थिंक कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, आप जैसे होनहार लोग, पाकिस्तान का डेटा सब लग जाए फुल टाइम. आजकल जो हमारा टैलेंट अवेलेबल है, तो कई साल तक पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग डेटा नहीं हैंडल कर सकते. यू नीड artificial intelligence to be able to analyze the data. There is huge data in Pakistan already. बहुत बड़ा data है. तो लिहाजा आपके जो रास्ते खुल रहे हैं उसके अंदर, एक और चीज़ का मैं जिक्र करता चलूँ,
मेरे पास आपसे बात करने को तो बहुत सारी चीज़ें, दिल भी चाहता है, मगर ज़्यादा समखराशी नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि इस एनालिसिस के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेनन जो आसानी से समझ में नहीं आता इवन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस। अच्छा, रॉ डेटा क्रंचिंग के मुकाबले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस अ वेरी डिफरेंट थिंग, बहुत डिफरेंट है। और इसका आप इस तरह से एग्जांपल ले लीजिए कि जो अल्फा ब्लू कंप्यूटर आईबीएम ने बनाया था, जिसने एक चेस प्लेयर को, गैरी कास्परोव को हराया, उसके बाद अल्फा गो जो बना, तो अल्फा ब्लू जो था वो रॉ डेटा देखता था, कितने गेम्स हुए, क्या क्या चालें हुई। अल्फा गो को ने अपने खिलाफ गेम खेला 3 घंटे एंड इट बिकेम एन एक्सपर्ट। वो रॉ डेटा क्रंचिंग नहीं करता, वो पॉसिबिलिटीज़ को और न्यूरल नेटवर्क के जरिए एनालिसिस करता है। तो इतनी बड़ी दुनिया खुल रही है। आई रिमेंबर कॉलमनिस्ट बाय द नेम ऑफ मार्टिन गार्डनर, वो साइंटिफिक अमेरिकन में कॉलम लिखा करता था, उसकी एक किताब है आहा, और उसका कहना ये था कि ये जो वेव ऑफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो बच्चों आप लोगों के पास अब आप स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज़ अ ब्रेन वेव, इट इज़ नॉट रिलेटेड समटाइम्स टू अ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडिया, इट जस्ट कम्स। तो ऐसी कैफियत, ये माहौल नस्ट का माहौल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक लैब का माहौल, वो एनवायरनमेंट आपको दे रहा है जो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हो। मगर पाकिस्तान के अंदर जिन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, एक तो देखो इस चीज़ ने क्या तब्दीली की, एक तो ये तब्दीली की कि चीज़ें सस्ती हो गई, मूअर्स लॉ के एतबार से सस्ती सस्ती होती गई, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, हर एक के हाथ में टेलीफोन आ गया, हर एक का एक्सेस डेटा के साथ हुआ। तो ये इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि आई सजेस्ट टू यू, एक पीटर डायमंडस करके एक आदमी है जिसने सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी भी बनाई, वो कहता है कि हेल्थ में इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, बड़े गौर से सुनना, हेल्थ में इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है कि अगले 10 साल में कोई बेवकूफ़ी करके मर मत जाना, क्योंकि लाइफ एक्सटेंशन का इम्कान शुरू हो रहा है, इट्स ऑलरेडी देयर एंड आई बिलीव इट। जब डिजीज़ को, पहला स्टेप तो यही हुआ ना कि डिजीज़ को हैंडल करना शुरू कर दिया, टर्मिनल डिजीज़ को पकड़ना शुरू कर दिया, कैंसर को करना शुरू किया, नैनो डिलीवरी ऑफ ड्रग्स के साथ हैंडल करना शुरू किया, जीन एडिटिंग के साथ हैंडल करना शुरू किया, स्टेम सेल्स को मॉडिफाई कर इंजेक्ट करना शुरू किया, तो दिस इज़ देयर। तो जब डिजीज़ को आप हैंडल करेंगे, उसके साथ जो एजिंग चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, आइडेंटिफाइड एजिंग चेंजेस हैं, उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई करने का इम्कान, और उसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। तो दीज आर द ह्यूज थिंग्स विच आर हैपनिंग। पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है, लेट्स कम डाउन टू द निटी ग्रिटी। मैं बहुत अरसे से, कुछ 6-7 महीने से इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि डिफेंस कैपेबिलिटीज, मिसाल के तौर पर डिफेंस, हर किस्म की बात कर रहा हूँ, डिफेंस इन वॉर अगेंस्ट अटैक्स और डिफेंस इन द बिजनेस सराउंडिंग ऑफ द कंट्री। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि FBR वॉज हिट, सुना ना? अच्छा, इंडस्ट्रीज कैन बी हिट, डैम्स कैन बी हिट। ये एक स्टक नेस्ट वर्म था जो इसराइल ने रिलीज़ किया, तो इस ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस वर स्पीडेड अप एंड दे अच्छा खासा वहाँ पर डैमेज हुआ। तो लिहाजा साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग विच इज़ नीडेड बाय योर कंट्री। लिहाजा मैंने पिछले 4-5 दिन पहले HEC की कोई एक मीटिंग थी, जिसमें कुछ बहुत सारे चांसलर्स थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन द यूनिवर्सिटीज एंड डिसेबल्ड के लिए आसानियाँ पैदा करना। उसमें मैंने लिबर्टी ली, मैंने कहा यार साइबर सिक्योरिटी के हवाले से स्टार्ट अ प्रोग्राम, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इस वक्त टू मेक एन एटॉमिक, नॉट एन एटॉमिक, टू मेक एन एयरक्राफ्ट कैरियर विद टेक पाकिस्तान 30 or 35 years टू डू समथिंग लाइक दैट, बट टू इंक्रीज आर साइबर डिफेंस इट इज़ ईजी, इट इज़ पॉसिबल, इट रिक्वायर्स माइंड्स, इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इट इज़, इट कैन बी डन, रिसोर्स, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई बहुत बड़े रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है कि ये पेट स्कैन चाहिए और ये मशीन चाहिए, ये रिसोर्स हैं, दीज रिसोर्स हैव टू बी पुट टू द ग्राउंड इन पाकिस्तान। और अगर हमने इसमें एज हासिल कर लिया तो यू विल बिकम, विदाउट एनी रिजर्वेशन विच आई कैन एक्सप्रेस, यू कैन बिकम द स्ट्रांगेस्ट नेशन ऑन अर्थ, इट इज एज फास्ट एज दैट। तो लिहाजा इस एरिया पर मैं आप सब लोगों के सामने ये बात छोड़ना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेयर आई थिंक द कंट्री नीड्स यू, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आई एम वेरी इम्प्रेस जो कुछ आज आपने दिखाया,
बट द होल वर्ल्ड इज़ ओपनिंग अप. जिसकी जो इसकी जो कैपेसिटी है, लोग कहते हैं जी लीनियर चेंज आती है, आप लोग तो साइंटिस्ट हैं ना, लीनियर 30 लीनियर स्टेप्स मीन्स 30 मीटर्स. मैं कह रहा हूँ इसमें एक्सपोनेंशियल चेंज आ रही है. 30 एक्सपोनेंशियल स्टेप्स विल टेक यू अबाउट 30 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड. दैट काइंड ऑफ चेंज इज हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग फास्ट. जितनी देर मैंने और आपने बात की, ये ट्रेन हमारे पास से गुजर रही है. पाकिस्तान हैज़ टू क्लाइम दैट ट्रेन एज सून एज पॉसिबल. इट इज़ डूइंग इट एंड वी डोंट वॉन्ट टू एक्सपोर्ट दिस. आप सबके दिमाग, हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की सर्विस के अंदर ये सारे दिमाग लग जाएं. विद दैट होप लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.